and his name is John C. ये रियल मतलब है घचो घचो का। और मम्मी रे बेटा मौज कर दी। बेंटन क्लासिक, बेंटन एलियन फोर्स, बेंटन ओमनिवर्स, बेंटन की गेम्स और बेंटन की मूवीज के फैक्ट्स को कवर करने के बाद अब बारी आ चुकी है बेंटन रिबूट की। और बेंटन रिबूट से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और इसीलिए आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है, टॉप 5 अननोन फैक्ट्स ऑफ बेंटन रिबूट। इस वीडियो में मैं आपको बेंटन रिबूट से जुड़े ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिनको सुन के आप मुझे एक ही बात बोलोगे, और हमेशा की तरह इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको एक बोनस फैक्ट बताऊंगा, इसलिए उसे मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज की वीडियो का लाइक एम है चुप, बिल्कुल चुप। अबे रुकना टकले, लाइक एम तो बताने दे। तो आज की वीडियो का लाइक एम मैंने रखा है 140 लाइक्स का, और आज मैंने कमेंट्स का भी एम रखा है वो है 40 कमेंट्स। तो फटाफट से 40 कमेंट्स और 140 लाइक करा देना, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक से मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन। बोरिंग। तो और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 1 की तरफ। फैक्ट नंबर 1, बेंटन रिबूट की अब तक जितनी भी मूवीज आई हैं, जो कि है बेंटन वर्सेस द यूनिवर्स, बेंजेन 10, बेंटन 1010 और बेंटन एलियन एक्सटिंक्शन, वो सभी रिबूट के ही आर्ट स्टाइल में बनाई गई हैं। लेकिन अगर हम बेंटन सीरीज की पिछली मूवीज को देखें तो बस बेंटन सीक्रेट ऑफ द ओमनीट्रिक्स मूवी को छोड़कर किसी भी मूवी का आर्ट स्टाइल उसकी सीरीज जैसा नहीं है। और वो इसीलिए है क्योंकि बेंटन सीक्रेट ऑफ द ओमनीट्रिक्स, बेंजेन 10, बेंटन 1010 और बेंटन एलियन एक्सटिंक्शन, इन सभी मूवीज को एक मूवी की तरह नहीं बल्कि एक स्पेशल एपिसोड की तरह बनाया गया है। फैक्ट नंबर 2, आपने बेंटन रिबूट के सीजन 1 के बाद रिबूट में कई सारे नए और पुराने एलियंस भी देखे होंगे, जैसे कि स्लैपबैक, शॉकरॉक, रैथ, जेट्रे और ह्यूमंगसोर। और अब इन सभी एलियंस को देखकर आपको ये लगता होगा कि बेंटन रिबूट वाले ओमनीट्रिक्स में तो कई सारे एलियंस अनलॉक हो चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एलियंस ऐसे ही अनलॉक नहीं हुए बल्कि ये बेन के पुराने एलियंस के रिप्लेसमेंट में अनलॉक हुए हैं। हाई ओवरराइड एपिसोड के अंदर ओवरफ्लो का डीएनए लॉक हो गया था और बाद में उसका डीएनए रैथ के डीएनए से रिप्लेस कर दिया गया। ओमनीट्रिक्स पार्ट 4 एपिसोड के अंदर अपग्रेड का डीएनए ओमनीट्रिक्स से इरेज हो गया और बाद में शॉकरॉक के डीएनए से रिप्लेस हो गया। समर ब्रेकर नाम के एक एपिसोड में स्टिंगफ्लाई का डीएनए ओमनीट्रिक्स में लॉक हो गया और बाद में जेट्रे के डीएनए से रिप्लेस हो गया। हाई ओवरराइड एपिसोड के अंदर वाइल्ड वाइन का डीएनए ओमनीट्रिक्स में लॉक हो गया और बाद में ह्यूमंगसोर के डीएनए से रिप्लेस कर दिया गया। और उसी एपिसोड के अंदर ग्रे मैटर का डीएनए भी लॉक हो गया था और बाद में स्लैपबैक के डीएनए से रिप्लेस कर दिया गया। और इसलिए रिबूट के सीजन 1 और 2 के बाद बेन कभी ओवरफ्लो, ग्रे मैटर, अपग्रेड, स्टिंगफ्लाई या वाइल्ड वाइन के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। लेकिन बेंजेन 10 मूवी के अंदर हमें ये सभी एलियंस दिखाए गए हैं हेक्स की आर्मी में। अरे हाँ, बेंजेन 10 से याद आया कि मैंने बेंजेन 10 मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन से बाद में देख सकते हो, लेकिन पहले ये वाली वीडियो पूरी देख लो। फैक्ट नंबर 3, आपने रिबूट तो पूरा देख लिया होगा लेकिन आपने ये नोटिस नहीं किया होगा कि रिबूट के अंदर हमें कई तरह के फ्यूजन एलियंस दिखाए गए हैं, जैसे कि एंटीट्रिक्स के एलियंस जो कि बेन के एलियंस के डीएनए और किसी अननोन स्पीशीज के एलियंस के डीएनए के फ्यूजन से बने हैं, और ओमनी एनहेंस फॉर्म्स को भी आप फ्यूजन एलियंस कह सकते हो जो कि बेन के एलियंस के डीएनए और शॉकरॉक के डीएनए से मिलकर बने हैं। फैक्ट नंबर 4, बेंटन रिबूट की लास्ट मूवी बेंटन एलियन एक्सटिंक्शन के अंदर हमें बेंटन का सबसे पावरफुल एलियन एलियन एक्स देखने को मिला, लेकिन जितना पावरफुल हम इसे समझते हैं उतना पावरफुल ये हमें मूवी के अंदर नहीं दिखा, और ये मूवी के अंदर बस 2-4 गिने चुने एलियंस के सामने ही हार गया। और बेंटन 1010 मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया एक नया एलियन जिसका नाम था जर्ज, उसको मूवी के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल दिखा दिया गया कि भाई बेंटन का तो कोई भी एलियन नहीं हरा सकता उसको, और फिर बेंटन 1010 और बेन को जर्ज में ट्रांसफॉर्म होकर ही उसे हराना पड़ा। और चलो मैं मान भी गया कि जर्ज बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो इतना पावरफुल तभी है जब वो अपने जैसे ही कई सारे एलियंस के साथ जुड़ जाए, वरना अकेले तो वो कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। मतलब जर्ज को रिबूट के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल दिखाया गया और एलियन एक्स जैसे इतने पावरफुल एलियन को इतना वीक दिखाया गया। फैक्ट नंबर 5,
आपको बेंटन अल्टीमेट एलियन सीरीज का फोर्ज ऑफ क्रिएशन नाम का एक एपिसोड तो याद ही होगा, जिसमें हमें क्लासिक वाला बेन भी दिखाया जाता है। और जब एग्रेगोर से लड़ने के लिए हमारा 16 साल वाला बेन स्वम्प फायर में ट्रांसफॉर्म होता है और 11 साल वाला बेन स्टिंग फ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है, तो स्टिंग फ्लाई बना हुआ बेन स्वम्प फायर को देख कर बोलता है कि ये तो वाइल्ड वाइन की एक कॉपी है। लेकिन यहाँ पर फैक्ट ये है कि अभी के लिए तो स्वम्प फायर को वाइल्ड वाइन का कॉपी बता दिया गया, लेकिन रिबूट के अंदर जो वाइल्ड वाइन का डिजाइन है वो ओमनिवर्स में दिखाए गए स्वम्प फायर के डिजाइन से काफी ज्यादा सिमिलर है। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन किसकी कॉपी कर रहा है। ये बुआ। इसी बात पे एक शेर अर्ज करता हूँ, गौर से सुनिएगा कि जमीन पे चलती मछली और पानी में तैरता परिंदा है। गौर फरमाइएगा कि जमीन पे चलती मछली और पानी में तैरता परिंदा है। रिबूट हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। और अब तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब तुम्हारे लिए ही मैं लाया हूँ बोनस फैक्ट। तो क्या तुम्हें पता है कि रिबूट वाले बेन 10,000 को बस शौक बिल्कुल भी पसंद नहीं? लेकिन जो हमें क्लासिक में बेन 10,000 दिखा था उसे बस शौक बहुत ज्यादा पसंद है, और वो अपने दुश्मनों को हराने के लिए ज्यादातर अपने पुराने एलियंस का ही यूज करता है, जिसमें से ही एक है बस शौक। और एपिसोड में क्लासिक वाले बेन 10,000 को बस शौक का इस्तेमाल करते हुए हमने कई बार देखा है। और हाँ, बेन 10,010 मूवी से याद आया कि मैंने बेन 10,010 मूवी को भी हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे फ्लैश हो रही है, अभी देख लो, वरना पाप लगेगा तो मुझे मत बोलना। तो यही थी आज की वीडियो। तुम्हें ये फैक्ट्स कैसे लगे मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और यार प्लीज लाइक एम पूरा करवा देना, और जल्दी से हमें 1.7 के सब्स पार करने हैं, फिर 1.8, फिर 1.9 और फाइनली 2K। इसलिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। और अब अगर तुम्हें और भी ज्यादा फैक्ट्स देखने हैं तो राइट वाले बॉक्स पर क्लिक करो, या फिर अगर बेन 10,010 मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी है वो भी हिंदी में, तो लेफ्ट वाले बॉक्स पर क्लिक करो।